सो हेलो गाइस, देखो मतलब एक्चुअली 19.1 इन सोइंग, आई एम ड्राइविंग इन सिटी मोड। मतलब तब से अभी मतलब सिटी मोड में ही मैं चला रहा हूँ। ये देखिए 19.3 हो गया अभी, ठीक है। सो इट्स डिपेंड हाउ टू ड्राइव योर कार। हाँ ये बात है, ये मैंने अभी 60 से 80 के आसपास ही चलाया, सो इसके लिए इतना माइलेज इन सिटी मोड पे। इसके बाद मैंने एक बार इको मोड पे डालूंगा, अगर 20 के ऊपर माइलेज आया तो मैं दिखाऊंगा। देखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी है अभी 179 किलोमीटर एंड इन इट्स ओयो शोइंग 2069 19.3 19.2 एवरेज। मतलब एक गियर पे अगर आप मतलब 2000 आरपीएम के आसपास चलाओ ना, सो गाड़ी में अच्छा एफिशिएंसी आएगा, जो कोई भी गाड़ी हो। लेकिन मेरे गाड़ी पे तो अभी सेकेंड सर्विस भी नहीं हुआ, मोबिल चेंज भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। इन हाईवे पे मतलब मैंने बोला था ना 19 के आसपास दिखाएगा, तो यही है 19 दिखा रहा है, लेकिन ये 17-18 के आसपास दे देता, मतलब देता है एक्चुअली। मैंने टैंक टू टैंक एक बार चेक किया था हाईवे पे, एंड सिटी पे तो जो है सिटी पे 13 टू 14 अलग, मतलब आप समझ लो या 12 टू 14 के आसपास ही मिलेगा। मैंने सेकेंड सर्विस भी अभी तक नहीं किया, 2000 पे कौन सा सेकेंड सर्विस, और डेट भी नहीं हुआ। सो सेकेंड सर्विस होगा, मोबिल चेंज होगा, सो उसके बाद लगता तो है माइलेज और भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। देख लीजिए 19.5 हो गया 60 के, मैं मतलब 60 पे ही मैं चल रहा हूँ। ओके फिफ्थ गियर 60 19.5 माइलेज शोइंग। सो इसके बाद मैं अभी इको मोड पे डालता हूँ। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो देखता हूँ क्या। एक्चुअली ये थोड़ा सा ढलन है इसलिए, मतलब देखिए मैं रेप वेप नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, लिया था ना इसके लिए ट्राईपॉड गिर गया था, सो अभी मैंने वीडियो चालू किया। फिफ्थ गियर इको मोड पे हूँ मैं, 60 के आसपास 19.4 ही दिखा रहा है। सो या अभी थोड़ा सा स्पीड में, मतलब स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। सो एसी वन स्पीड पे है, मतलब ब्लोअर का स्पीड वन है, एंड चलो देखते हैं माइलेज। 80 के आसपास हो गया, 19.2 माइलेज दिखा रहा है। मतलब वही बोला ना, इको मोड पे और सिटी मोड पे अगर मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब मैंने तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं देखा, 1-2 KMPL का ही डिफरेंस देखा। मतलब पावर में तो प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है इको मोड पे, मतलब उतना फ्रिक्वेंटली पावर मतलब जनरेट नहीं करता कंपेयर टू सिटी मोड। सो ये तो बात है। देखिए माइलेज अभी 19.2 ही है। सो या मोड पे मैंने आज का वेदर देख लो, क्लाउड देखो पूरा क्लियर है एकदम। सो इको मोड पे थोड़ा सा तो डिफरेंस है सिटी मोड से, मतलब सिटी मोड पे अगर दिखाएगा 17 तो इको मोड पे होगा 19, बट पावर में भी उतना अंतर है। मतलब इनिशियल पिकअप में थोड़ा सा दिक्कत होगा गाड़ी को, तो यही बात है। मैं फिफ्थ गियर पे ही हूँ, 70 का स्पीड 19.2 स्टिल शोइंग। सो या 80 स्पीड हो गया। लेकिन एक बात, अगर आप इको मोड पे हाईवे पे चला रहे हो ना, तो 80-90 के आसपास ही चलाना, उसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि इको मोड पे थोड़ा सा गाड़ी का ट्यूनिंग, मतलब इंजन का ट्यूनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो यही बात है, चलो नाउ शोइंग। गियर डाउन करने के लिए बोल रहा था, चलो फिफ्थ गियर पे हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
उधर से एक वैन रिक्शा आ रहा है ऑपोजिट साइड पे। चलो फिर से 19.2 हो गया। सो ये मतलब 9 इको मोड पे भी और हाईवे मोड पे, सॉरी इको मोड पे भी और सिटी मोड पे भी, अगर हाईवे में आप 80 के आसपास स्पीड पे चला रहे हो ना तो 19 के आसपास ही मतलब माइलेज शो करेगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो 17-16 ऐसा दिखाएगा, मतलब 100 प्लस ऐसे आप चला रहे हो तो। सो यही बात है। एंड सिटी पे भी ऐसा ही है, मतलब सिटी पे भी अगर मतलब आप स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो माइलेज थोड़ा सा कम दिखाएगा, अगर ठीक से इकोनॉमिकली आप चला रहे हो तो माइलेज अच्छा शो करेगा। सो यही बात है, मतलब ये आप समझ के चलो कि सिटी मोड हो गया या इको मोड, अगर ड्राइव मतलब हाईवे पे अगर मतलब 80 के आसपास चला रहे हो तो 18-19 आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड उसके ज़्यादा होगा तो माइलेज ऐसे ही ड्रॉप करेगा। सो यही बात है। चलो 19.5 हो गया, देखिए 60 के मतलब 60 में चला रहा हूँ तो इसके लिए 19.6 भी हो गया। देखो ये अगर 60 में मैं चला रहा हूँ ना तो 20 भी हो सकता है, देखता हूँ। चलो अगर 20 होगा तो ठीक है, मतलब 20 MID पे दिखाएगा तो एक्चुअल पे तो 20 नहीं होगा, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क होता ही है, मतलब 1-2 KMPL का फ़र्क होता ही है। तो यही बात है, अगर 20 होगा तो मैं फिर से वीडियो स्टार्ट करूँगा, नहीं तो ठीक है। चलो स्टिल शोइंग। सो या चलो एक्सप्लोरर राइड आर साइनिंग ऑफ। दिस इज अ छोटा सा फ्यूल इकोनॉमिकल वाला वीडियो, एक्चुअली पहले एक वीडियो शूट किया था सो उसका ये सेकेंड पार्ट है। सो या दैट्स इट, थैंक यू।